यूके में हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, योर डिपेंडेंट्स दैट इज़ योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, इस वीज़ा की ड्यूरेशन, इस वीज़ा की एक्सटेंशन और परमानेंट सेटलमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। लगातार स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यूके का स्टडी वीज़ा स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के साथ अप्लाई करने से आपको ऑप्शन मिलता है ऑल फीस आफ्टर वीज़ा की। नाउ, यूके में काफ़ी सारे लोग कहते हैं, काफ़ी सारे जनरल पब्लिक का ये व्यू है, यूके में पीआर नहीं मिलती। अब यूके में पीआर भी मिलेगी, यूके में वर्क वीज़ा भी मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने जो फील्ड सिलेक्ट किया है, जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है, या फिर आप जिस फील्ड में वर्क परमिट ले रहे हो वो यूके की स्किल शॉर्टेज लिस्ट में होना चाहिए। आज हम ऐसी ही स्किल शॉर्टेज, एक ऐसे ही फील्ड की बात आपसे करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आपको वर्क वीज़ा भी मिलेगा, 5 साल का वर्क वीज़ा यूके में ले सकते हो अपने स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स के साथ, और साथ के साथ 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं आप। हम बात कर रहे हैं यूके में हेल्थ एंड सोशल केयर वर्कर वीजा की। नाउ, एलिजिबिलिटी की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको सिर्फ क्या एक क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्स, कोई हेल्थ फील्ड में प्रोफेशनल, कोई एडल्ट केयर में एक प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है, आपके पास इसका वर्क एक्सपीरियंस हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। सेकंड एलिजिबिलिटी इज़ आपको यूके में जो एलिजिबल एम्प्लॉयर्स हैं, जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज के साथ, तो उनसे आपको कन्फर्म्ड एक जॉब ऑफर लेटर मिलना चाहिए, एंड जिसमें आपको यूके में इस फील्ड के लिए मिनिमम सैलरी ऑफर की होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी इज़ अराउंड 20,500 pounds के लगभग एनुअल सैलरी वो आपको ऑफर हुई होनी चाहिए। आपको आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ये दे दे, जिस तरह स्टडी वीज़ा वाले स्टूडेंट्स को कैश मिलता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी, इसी तरह इस फील्ड में जॉब ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपका एम्प्लॉयर आपका स्पॉन्सर है क्योंकि वो ही आपको बुला रहा है, तो दैट इज़ वाई सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपका होना चाहिए, जिसमें आपका जॉब टाइटल, मिनिमम सैलरी, आपके एम्प्लॉयर का लाइसेंस नंबर वगैरह सब कुछ मैंशनड होना चाहिए। तो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी। साथ के साथ आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स प्रूव करनी है, दैट यू कैन रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन टू इंग्लिश वेरी वेल। सो दिस इज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी। नाउ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो आपका पासपोर्ट, आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा, देन योर इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट्स, वो कैसे होने चाहिए, आपका बैंड स्कोर क्या होना चाहिए, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम ओवरसीज के काउंसलर्स को कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, एंड देन योर मेडिकल रिजल्ट्स, एंड अगर आप अपने स्पाउस और चिल्ड्रन के साथ अप्लाई कर रहे हो तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, एंड आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपको फंड शो करने होंगे कि आप कितना कि आप यूके में जाके सर्वाइव कर सकते हो, ये फंड 28 डेज पुराने होने चाहिए। दीज आर द सिंपल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस वीज़ा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन। आपके जो चिल्ड्रन हैं जो 18 ईयर्स से कम एज के हैं वो आपके साथ ही इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्पाउस, अगर आपकी मैरिज को 2 साल हो चुके हैं तो आपका स्पाउस भी आपके साथ जा सकता है। नाउ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो एप्लीकेंट को 1285 pounds, ओनली 1285 pounds, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 1,30,000-1,40,000 बनता है डिपेंडिंग ऑन द कन्वर्जन रेट, तो वो 28 डेज ओल्ड शो करना है। एंड अगर आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 300 pounds से भी कम
उसका शो करना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स 30 से 35 हज़ार स्पाउस के लिए फाइनेंशियल्स चाहिए, और आप अगर एक किड के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 315-320 पाउंड आपको उसके लिए शो करना है। दैट मीन्स अराउंड 35,000 अगेन। और अगर आपका दूसरा किड भी है तो उसके लिए 200 पाउंड ओनली, दैट मीन्स 20-25 हज़ार के अराउंड उसके लिए फंड चाहिए। दैट मीन्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपके 4 फैमिली मेम्बर भी हों, इवन देन आपको 3-3.5 लाख रुपया शो करके आपका काम चल जाएगा। नाउ ड्यूरेशन की बात करें तो ये वीज़ा 3 इयर्स के लिए या फिर 5 इयर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 3 इयर्स के लिए अलग एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ती है, 5 इयर्स के लिए अलग एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ती है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करूँ तो पर एप्लीकेंट 247 पाउंड फॉर 3 ईयर वीज़ा एंड 479 पाउंड पर एप्लीकेंट फॉर 5 ईयर्स वीज़ा। नाउ 5 साल बाद क्या होगा? अगर आपने 5 साल का भी वीज़ा अप्लाई किया है तो 5 साल बाद कहीं वापस तो नहीं आना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इस वीज़ा को एनी नंबर ऑफ टाइम जितने मर्जी बार एक्सटेंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ योर एम्प्लॉयर। ओके, नाउ कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि क्या हमें जिस एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया हमें 5 साल या 3 साल उसी एम्प्लॉयर के पास ही जॉब करनी पड़ेगी? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करते हो आपको नए एम्प्लॉयर से कॉस्ट मिल जाता है, आप अपना वीज़ा भी अपडेट कर सकते हो। आप अपना जो जॉब रैंक है अगर वो भी चेंज करते हो सेम एम्प्लॉयर के साथ तो फिर भी आप अपने वीज़ा को अपडेट करवा सकते हो। 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए, जिसको हम इनडेफिनेट स्टे टू लिव इन यूके भी कहते हैं। तो वो आप 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो एडल्ट केयर के कोर्सेज जिन्होंने किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रूट है वर्क वीज़ा के लिए एंड परमानेंट सेटलमेंट के लिए। इसमें एम्बेसी फीस भी कम है, इसमें आपको इंश्योरेंस के लिए जो NHS के चार्जेस होते हैं वो भी नहीं देने पड़ रहे। तो दैट मींस एप्लीकेंट उसके स्पाउस को किड्स को कोई भी इंश्योरेंस के चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे। इस फील्ड में यूके में अभी स्किल शॉर्टेज चल रही है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्संस बीएससी नर्सिंग एडल्ट केयर के कोर्सेज के लिए यूके में अप्लाई करें और अपना वर्क वीज़ा इसी फील्ड में अप्लाई करें सो दैट आपको इजीली परमानेंट रेजिडेंसी मिल सके। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आपके कोई भी डाउट्स हैं अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 9855-98585 पर। थैंक यू सो मच।